स्टूडेंट्स, दिस इज़ कनिका बत्रा, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम माउंट लिट्राजी स्कूल रोहतक. बच्चे, वी हैव डन द सिंपल मल्टीप्लीकेशन मैथड. नाउ दीज आर द प्रॉब्लम सम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सी, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम सम्स करते थे, ऐसे ही हम इसमें करेंगे मल्टीप्लीकेशन में. रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. टू टाइम्स आपको स्टेटमेंट्स रीड करनी है, और रीड करके आपको क्या चीज़ देखनी है कि इसके अंदर क्या डिफरेंट है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले स्टेटमेंट से ऐसा क्या डिफरेंट है कि ये मल्टीप्लीकेशन वाले सम्स हैं. रीड दिस. वन कार्टन ऑफ एग्स कंटेन्स 80x. वन कार्टन ऑफ एग्स, वन यहाँ पे क्या राइट डाउन है, वन कार्टन ऑफ एग्स कंटेन्स 80x. वन कार्टन में 80x हैं. फाइंड द नंबर ऑफ एग्स इन 34 कार्टन्स. सी बेटा, आपके पास है, मम्मा ने आपको वन चॉकलेट दिया है, जिस जो कि आई है 5 रुपीज़ की. वन चॉकलेट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट है 5 रुपीज़. और आपको फाइंड आउट करना है कि 10 चॉकलेट्स अगर आप लेके आओ तो वो कितनी रुपीज़ की आएंगी. तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो एट दैट टाइम प्रॉब्लम सम्स होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के, उसमें क्या होता है, वन थिंग की कॉस्ट आपके पास होती है. वन थिंग की कॉस्ट है, या वन थिंग का प्राइस है, या वन चीज़ का, वन थिंग की रुपीज़ आपके पास होते हैं. और आपको वन से ज़्यादा, यानी कि 10 थिंग्स हो गए, 5 हो गए, 20, 25, जितने भी हो सकते हैं, इट्स अप टू द थिंग्स, इट डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट कि कितने हैं. तो आपको उससे ज़्यादा, वन से ज़्यादा का फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर है और जो ये प्राइस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 10 5 50, इट मीन्स आप 10 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की लेकर के आएंगे, 50 रुपीज़ की. कितने रुपीज़ की चॉकलेट्स लेके आएंगे, 50 रुपीज़ की. सेम एज इट इज़ आपके पास आ जाए चेक पॉइंट सिक्स है आपके पास. फर्स्ट मेंशन द डेट एंड देन स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है, वन कार्टन ऑफ एग्स. वन तो आप क्या लिखोगे, एग्स इन वन कार्टन. वन कार्टन में कितने एग्स हैं, एग्स इन वन कार्टन इट्स, सी इट्स 80x. ठीक है, और आपको फाइंड आउट कितने करने हैं, एक्स इन कितने फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स इन 34 कार्टून्स. तो आप क्या राइट डाउन करोगे, एक्स इन 34 कार्टून्स. तो हम क्या कर देंगे, 34 को 80 से मल्टीप्लाई, 34 को 80 से मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 34. अब एक तो मेथड होता है इजी मेथड, मैंने आपको एक मेथड समझाया था बेटा, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि जब आपके पास ज़ीरो वाली डिजिट्स होती हैं, जब आपके पास ज़ीरो वाली डिजिट्स होती हैं, उस टाइम पे आपको कैसे सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, ज़ीरो. क्या मेंशन कर देते हैं, ये वाला ज़ीरो. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दिस नंबर टू द कंप्लीट नंबर. तो 8 को आपने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से. 8 4 जा 32, 32 का 2 हेयर एंड 3 कैरी. तो 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 25, 26 एंड 27. तो आपका आंसर क्या आ गया, 2720x. क्या आंसर आ गया आपके पास, 2720x. दिस इज़ द प्रॉब्लम सम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दोबारा देखेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन होगा, वन कार्टून का, यानी कि एक्स इन वन कार्टून, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका वन थिंग का रेट, या फिर वन थिंग की कैपेसिटी आपके पास गिवन होगी. और आपको फाइंड आउट करनी होगी वन से ज़्यादा की, यानी कि वो 5 भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 100, 200, कोई भी नंबर हो सकता है. तो कंडीशन क्या होती है कि आप जो नंबर वन का है और उससे ज़्यादा का जब फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो भी हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, नाउ रीड दिस क्वेश्चन नंबर टू. अ पैकेट ऑफ बिस्किट कंटेन्स 12 बिस्किट्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इन 13 सच पैकेट्स. 13 पैकेट्स में. तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट देखो दोबारा से. अ पैकेट ऑफ बिस्किट, अ पैकेट मतलब वन पैकेट, बिस्किट के वन पैकेट में है 12 बिस्किट. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इन 13 सच पैकेट्स. आपको कितने पैकेट्स के फाइंड आउट करने हैं, 13 पैकेट्स के. तो हम क्या सॉल्यूशन राइट डाउन करेंगे, बिस्किट्स, जो भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है बेटा, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बिस्किट्स इन वन पैकेट. वन पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं, 12 बिस्किट्स. तो आपको फाइंड आउट कितने में करने हैं, बिस्किट्स इन कितने पैकेट्स हैं टोटल,
थर्टीन पैकेट्स, बिस्किट्स इन 13 पैकेट्स, बिस्किट इन 13 पैकेट्स। तो 13 पैकेट्स का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 13, और 12 और 13 को आप किस वे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, टू डिजिट वाले नंबर से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। नाओ यहाँ पे 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 6 3 प्लस 2 5 एंड 1, आंसर इज 156 बिस्किट्स। तो आपके 13 पैकेट्स में कितने बिस्किट्स अवेलेबल होंगे, 156। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, अ फ्रूट वेंडर सेल्स 320 फ्रूट्स इन अ डे, अ डे मतलब वन डे, हाउ मेनी फ्रूट्स डज ही सेल इन 9 डेज, वो 9 डेज में कितने फ्रूट्स सेल करेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट्स डू इट। आप सिंपली कर सकते हो सेल ऑफ फ्रूट, क्या स्टेटमेंट राइट डाउन कर रही हूँ मैं, सेल ऑफ फ्रूट्स इन वन डे, वन डे में कितने फ्रूट्स की सेल है, 320 फ्रूट्स की। आपको कितने डेज की सेल फाइंड आउट करनी है, सेल ऑफ फ्रूट्स इन कितने डेज की फाइंड आउट करनी है हमने, 9 डेज की। तो 9 डेज की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 320 मल्टीप्लाई 9। आप आंसर डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हो, आंसर आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ राधा रीड्स 178 पेजेस इन अ डे, हाउ मेनी पेजेस कैन शी रीड इन अ वीक। अब मुझे ये बताओ, इन अ डे, वन डे में वो कितने पेजेस रीड कर रही है, 178, और वन वीक का फाइंड आउट करना है, यानी कि 7 डेज। वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। राधा रीड्स, राधा रीड्स इन वन डे, वन डे में वो कितने पेजेस रीड कर रही है, 178 पेजेस। तो राधा, नेक्स्ट लाइन में हम क्या राइट डाउन करेंगे, राधा रीड्स इन, राधा रीड्स इन कितने डेज में फाइंड आउट करना है हमने, अ वीक। तो वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो हम क्या करेंगे, 178 मल्टीप्लाई 7। डायरेक्टली आप इस मेथड से इसको मल्टीप्लाई करके एंड इसका आंसर यहाँ राइट डाउन करना है। ठीक है, 178 into 7। तो दिस इज़ द कम्प्लीट कंक्लूजन और सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम सम्स दैट यू विल डू टुडे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। देयर आर 40 डेस्क इन अ क्लासरूम, इन अ क्लासरूम यानी कि वन क्लासरूम में कितने डेस्क हैं, 40 डेस्क। द स्कूल हैज़ 23 सच क्लासरूम्स, हाउ मेनी डेस्क आर देयर इन द स्कूल, स्कूल में टोटल कितने डेस्क हैं। तो व्हाट यू विल डू, तो राइट द सॉल्यूशन स्टेटमेंट, सॉल्यूशन स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करनी है। देयर आर 40 डेस्क इन अ क्लासरूम, डेस्क क्या राइट डाउन करेंगे, डेस्क इन वन क्लासरूम, वन क्लासरूम में कितने डेस्क हैं, 40। आपको कितने में फाइंड आउट करने हैं, डेस्क इन 23 क्लासरूम्स में कितने डेस्क हैं। तो आप क्या करोगे, 40 मल्टीप्लाई 23। इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट मेथड से फिर से बताती हूँ आपको, जब भी हमारे पास ज़ीरो वाले नंबर्स होते हैं तो हम सबसे पहले लास्ट में क्या राइट डाउन कर देते हैं, ज़ीरो। जब लास्ट में ज़ीरो होती है तब करना होता है ये प्रोसेस। नाउ डू मल्टीप्लाई, 4 को 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, 12 का 2 हेयर एंड 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, आंसर इज 920 डेस्क, 920 डेस्क। सबसे लास्ट में आपको वो चीज़ राइट डाउन करनी है जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है। इसमें हमने डेस्क फाइंड आउट करे हैं, इसमें हमने पेजेस फाइंड आउट करे हैं, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने फ्रूट्स फाइंड आउट करे हैं, कितने फ्रूट्स वो सेल करेगा। तो लास्ट में हमें वो यूनिट, वो नंबर, वो चीज़ का नेम राइट डाउन करना है जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, लास्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 72 पीपल कैन सिट इट वन बोगी ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन की वन बोगी, बोगी क्या होती है, जो एक डिब्बा होता है उसके अंदर 72 पीपल्स बैठे हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन अ ट्रेन, वन ट्रेन में कितने पीपल बैठेंगे। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वन ट्रेन में बोगी कितनी होती हैं, तो वहाँ पर कितनी बोगीज़ होती हैं, 17 बोगीज। कितनी बोगीज़ होती हैं, 17 बोगीज। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, सबसे पहले पीपल कैन
पीपल कैन सिट इन वन बोगी। वन बोगी में कितने पीपल्स बैठे हैं हमारे पास? 72 पीपल। तो पीपल आपको कितनी बोगीज की फाइंड आउट करनी है? कैन सिट इन 17 बोगीज। 17 बोगीज में फाइंड आउट करना है 72 इंटू 17। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके शो करना है प्रॉपरली विद कंप्लीट फॉर्मेट लाइक दैट। डू मल्टीप्लाई 7 2 14, 4 हेयर एंड 1 कैरी, 7 7 49, 49 and 1 50, इंटू 1 2 2, 1 7 7। नाउ डू प्लस 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 7 8 9 10 11 12। आंसर इज 1224 पीपल। लास्ट में हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे? पीपल की वन कंप्लीट ट्रेन में कितने पीपल्स बैठ सकते हैं? 1224। तो दिस इज योर एक्सरसाइज चेक पॉइंट 6 कंप्लीटेड। ओके, हैव फन।